कलोर के शिकार के मामले पर भी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद करने वालों ने कतरी शेख को बलूचिस्तान में कलोर के शिकार की इजाज़त दे दी। नायाब परिंदे के शिकार के लिए कतरी शेख को 18 इलाके अलॉट कर दिए गए। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। यू टर्न के मास्टर हुकूमत ने एक और यू टर्न लिया। 3 साल कबल इमरान खान ने तलोर के शिकार की इजाजत देने पर लीग हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कभी सोचा भी ना था कि ऐसा भी दिन आएगा जब तलोर का शिकार हमारी खारिजा पॉलिसी का सुतून बन जाएगा। ताहम अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही कतरी शेख को बलूचिस्तान में तलोर के शिकार की इजाजत दे दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने नायाब परिंदे तलोर के शिकार के लिए सूबे में 18 इलाके कतरी शेख को अलाट कर दिए। महकमे वाइल्ड लाइफ हुकाम की जानिब से कतर समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक के बाशिंदों को इजाजत नामे भी जारी किए गए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 100 तलोरों के शिकार के लिए $1,00,000 फीस मुकर्रर कर रखी है, जबकि सूबाई हुकूमत ने शिकार में इस्तेमाल होने वाले एक बास के लिए $1,000 फीस रखी है। कतरी शेख की जानिब से शिकार के लिए सूबाई हुकूमत के अकाउंट में $1,31,000 का चलान जमा कराया गया है, जिसमें से $1,00,000 तलोर के शिकार और $31,000 बास के लिए जमा कराए गए हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल तलोर के शिकार के लिए बलूचिस्तान में 19 इलाके अलॉट किए गए थे। ताहम गुज़िश्ता साल तलोर के शिकार की फीस की मद में 13 करोड़ रुपए जमा हुए। शिकार की मद में जमा फीस जंगली हयात के तहफ़ और फरोग के लिए इस्तेमाल की जा रही है और रवा साल शिकार की फीस की मद में 35 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी मुतवक्को है।